गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 2 बजे से। और आज गाइस आपको एक चीज़ बताती हूँ, आज मैं नहाई हूँ दिन के 2 बजे। मतलब अभी मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग 2:30 हो गया है, मतलब उस पर हो रही है। और मैं नहा के आई हूँ 2 बजे पूरे पूरे। और ये कितनी गंदी बात है गाइस, आलस गाइस मेरे को किस दिन लेके डूबेगा। और क्या बोलते, इतना आलस हो चुका है ना गाइस मेरे को, इतना ज़्यादा आलस मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और आज अभी मैं आपको एक आलस दिखाती हूँ, मेरा आलस, कई दिनों से वो इकट्ठा हुआ आलस मैं दिखाती हूँ आपको। कपड़ों का ढेर लगाने के लिए है, जो कि पता नहीं कितने टाइम हो गया यार, 2-3 बार हो गए मैंने कपड़ों का तय नहीं लगाया गाइस। पता क्यों यार, एक तो खेतों में काम होता है, फिर मेरे को इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं लगता है। आज था वो, मैंने आलस में ही गवा दिया गाइस। और आज मैं अभी घर पे अकेली हूँ। और गाइस अभी मेरे को ना व्लॉग भी एडिट करना है, और मेरे पास फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है। और आज ये वाला व्लॉग मेरे को कंटिन्यू करना है। सो अभी मैं वो वाला मैगी बनाई थी मैंने जंगल में, वो वाला व्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो आप लोगों ने वो वाला व्लॉग देख लिया, बट मैं उसको भी एडिट कर रही हूँ गाइस। और फिर उसके बाद मेरे को 3 बजे खेत जाना है, क्योंकि कल हमारे को टमाटर भेजने, अपने सब्जियाँ भेजनी है अपनी। वही दिन आ गया गाइस, इससे मंडे है आज, सॉरी संडे आज, तो कल मंडे है, तो कल भेजेंगे हम, मंडे वाले दिन भेजते हैं। और कब भेजते हैं? थर्सडे को भेजते हैं। तो हम ना जैसे थर्सडे को भेजते हैं तो वेडनेसडे को तोड़ देते हैं, मतलब कुछ कुछ। और वैसे आज हम संडे को तोड़ देंगे कुछ, और कल तोड़ देंगे, मतलब कि मंडे को तोड़ देंगे। तो अभी मम्मी भी घर पर नहीं, मम्मी गए हुए हैं। आज कल नवरात्रि भी शुरू हो गए हैं, तो आप सबको सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी फिर मम्मी वगैरह गए हुए हैं जहाँ पे हमारे पहले मतलब बुज़ुर्ग रहते थे, जिस गांव में, मतलब हमारे थोड़े से दूर जाके वो गांव बांझनी, वहाँ पे मतलब हमारे बुज़ुर्ग रहते थे। वहाँ पे हमारी जो है कुल देवी है, तो उनको ही पूछने गए हैं। तो वहाँ पे आज फंक्शन भी है, और उन्होंने बोला कि चलो अब हम जा ही रहे, तो हम कुल देवी भी पूछ के आते हैं अपनी। तो मम्मी ने हलवा बनाया था, तो लेके गए हैं अभी। तो अभी और खाना तक नहीं खाया मैंने गाइस, खाना भी नहीं खाया मैंने अभी। तो पहले मैं थोड़ा सा हलवा खाऊंगी अभी, फिर मेरे को भूख नहीं है। वैसे भी मम्मी ने आज कुछ वो नहीं बनाई है, सब्जी वगैरह भी मैं देखने गई थी, मम्मी ने अभी भगवान के पास भी नहीं रखी है कढ़ाई, मतलब हलवा। तो मैं पहले भगवान जी के पास भी रख देती हूँ, फिर खाऊंगी खुद। हंसती हूँ, लेके गए अभी खा सकते हैं हम, बट अभी अपने घर में नहीं लगाया ना हमने भगवान जी को, तो मैं रख देती हूँ। ऐसे बना रखा है मम्मी ने हलवा, दही भी रखा है। किसके लिए रखा है? सब्जी तो उन्होंने कुछ बना नहीं रखी है, तो दही क्यों रखा है? सभी मैं इसको भोग को लगा देती हूँ भगवान जी को, फिर खुद खाऊंगी। मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है, अब मैं इसको खाऊंगी, देखते हैं कैसी बनी है खाने में। मैं इसलिए खड़ी हूँ यहाँ पे ताकि आपको रिएक्शन दे सकूँ मैं। तो गाइस खा के देखते हैं। बहुत अच्छी बनी है, सचमुच बहुत अच्छी बनी है गाइस। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपको इसको खा के, और बहुत देर बाद मिलूंगी अभी आपको, आपको मिलूंगी मैं 3 बजे, 3:30 बजे, ठीक है। हेलो, तो मैं अभी जा रही हूँ खेत, और इससे पहले मैं काम करके आई हूँ घर में गाइस। पता आपको, मैंने गाय को बाहर बांधा, उनको घास डाला, फिर उसके बाद कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं आ गई, अभी मेरे हाथ में है क्रेट, ये देखो गाइस, ये लेके जानी है खेत। और अभी मेरा भाई भी घर आ गया है गाइस, और मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स मिला अब ये देख के, मेरी आँखों को शांति हुई कि मेरा भाई घर आ गया है। तो गाइस उसको देख के मेरी आँखें तो नम हो गई, क्योंकि 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 काम करने वाला आ गया है। अब वो क्रेटे वगैरह धो देता है गाइस, तो इतना बर्डन पड़ता है जब वो होता है हमारे साथ। तो कल तो वो घर पे ही है, तो हमारे मजे अब ऐसा नहीं कि आज ही हमारे से इतना टूटना चाहिए सीज़न। और गाइस अभी हमारे को बीन भी तोड़नी है, और शिमला मिर्च भी तोड़नी है, तो काफ़ी काम है गाइस जो गिनवाए नहीं जा सकते और दिखाया जा सकता है। कुछ होते गाइस आपको शायद, इनकी सब्जी बन रही है इस टाइम, दाल तैयार हो गई है, उनकी दाल तैयार हो रही है कॉकरोचों की, जो सीटी बज रही है। इतनी गुस्सा आता है ना मेरे को इनका, करते रहते 24 घंटे, इनको कौन काट रहा है अभी, सुख भी नहीं हो सकते। वॉशर वाले वो अपने भाई के पास, अभी देखना हो गुस्सा करेगा, थोड़ा सा गुस्सा करेगा, ज़्यादा नहीं। आहो तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ खेत, अभी वो हम तोड़ रहे हैं बीन है? ये दादी ना मेरी शिकायत लगा रही है मेरे भाई के पास, मैं बताती हूँ इनको, जो काम सा होता ना इनको गाइस बहुत मतलब ये
जब इनको काम होता ना तो मुझसे प्यार से बात करते, और इनको काम नहीं होता ना मेरी बात है मेरी, तो ये मम्मी गिर गई थी तो ये मेरे को तानी मारते हैं लोगों पास मेरे बारे में, पता नहीं क्या बोल के गए। सच बात है ये, मैं झूठ नहीं बोल रही, हम लोग बोल रहे हैं कि कैसे बोल रही अपनी दादी के बारे में, तो मेरी दादी ऐसी है, मेरे पास बोलते मेरे को गुस्सा आता है इसी बात का, ऐसे अच्छे बहुत बहुत तेज हो रहा है क्या गप्पा मार दी जल्दी वहाँ पे हटो। उस दिन की बात बता रहे थे आप इनको कुछ ना, मैंने एक घंटा हूँ आपसे गई तो बहुत हो, ये देखो गाइस इनका बुजका, और तब ईशक काम भी सारा चाहिए, और तब ये भी पूछना भी, तब ये भी मोड़ना भी, आंधी नहीं ये देखो गाइस मेरा भाई आ गया, कितने दिनों बाद आया भाई तू घर, भाई भाई हाँ। ये देखो गाइस यहाँ पे मेरा भाई निकाल रहा है 1600 रुपए, हाथ तेरे थे ही चले हुए, यशवंत जी ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी रही है तोड़ने के लिए, किस साइड से तोड़ रही, यू आ रहा हूँ बाल्टी में जाए, देखो गाइस कैसे 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 हाउ हाउ बोल नहीं सकती कुछ, मैं सबसे छोटी हूँ, इस चुड़ैल की वजह से मेरे को डांट पड़ी गई, ये चुड़ैल इसको मन ऐसा कर रहा ना मैं इतनी जोर से मारूंगी, मेरी लाइफ इनकी तरह होती तो मैं भी ऐसी उड़ के चल जाती कहीं को भी, ये डांट भी ना सुनती ऐसी सब यहाँ पे डांटते रहते मेरे को, काम मेरे से कराते हो डांटते मेरे को, तो ऐसे अकेले बोल रहा है मेरे से बात नहीं कर रही, तोड़ तो पखले होने सब है ना पाटे में A few moments later. ये गंजौर लग गया गाइस, जल्दी जल्दी इसको एक एक लड़की ढूंढो गाइस, ये गंजौर है क्योंकि ये देखो इसके बाल ना बहुत झड़ रहे बेटा इसके लिए मैं बताती हूँ लड़की कैसी चाहिए, कि मेरे को अपनी भाभी कैसी चाहिए, सुंदर सुशील बस ऐसी होनी चाहिए, जो कि ऐसे बोले ननन जी आ जाओ बस आप तो यहीं रहो हमारे घर, यहाँ से नहीं जाना, और ऐसे बोले आपका आधा हिस्सा आपका है, ऐसे बोले बस बागी में आप नहीं करना काम, मैं घर में करूंगी, आर यू कॉमेडी मी गाइस, ना ना मतलब बहन कुछ नहीं है, वाह भाई आप बोले गाइस मैं तो ऐसे चाहती हूँ इसको ऐसी लाड़ी मिले जो इसको कुटे जूते मारे मारे इसके डंडे से कुटे इसको गाइस, एक दिन ना मैं बताती हूँ आपको इसने इतना पीटा है ना मेरे को गाइस, यहाँ मेरा डेंट पड़ गया गाइस यहाँ, और किस बात के पीछे बता तो कहाँ गया, अब बोल लड़ाई जो हमारी लड़ाई उस दिन लड़ाई किसकी वजह से हुई, तेरी गाइस इतना वो है ना घुसड़ैल, दो मिनट में गुस्सा हो जाता है ये, और इसको लाड़ी चाहिए हमारे को ऐसी जो इसको कूट के रख के बनाए इसका न्याय उतारे, एक बारी न्याय तो आप समझते ही होंगे गाइस इसका फनिया उतारे एक बारी राफ बनाए इसका, टीन तोड़ दिए हमने, अभी हम जा रहे हैं शिमला मिर्च तोड़ने, और क्रेट गिर गया नीचे, मेरे को भी गाली पढ़ाने का काम कर रही हर चीज, कुंभर हो चुके हैं ना गाइस, इतने कुंभर बुरे, यहाँ हमारी शिमला मिर्च, अब शिमला मिर्च रही नहीं कुछ, हेल्प तो बहुत करवाई है शिमला मिर्च ने हमारी, अच्छी अच्छी बिकी है शिमला मिर्च, अब ये पता आपको कितनी महंगी हो गई है, 100 रुपये किलो शिमला मिर्च, 100 रुपये किलो, खाने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे खाएं, हैं
लेकिन हमें क्या, हम तो बिना सोचे खाते गाइस, यही तो फायदा है। और क्या फायदा है इसका, यही है सीजन लगाने का फायदा। हमने 3 खेत तोड़ दिए हैं शिमला मिर्च के, अभी बचे हैं हमारे पास, नहीं 2 तोड़े अभी, तो अभी हमारे पास 3 बचे हैं। छोटू छोटू खेत है गाइस, ये बहुत छोटू छोटू सीढ़ी नुमा खेत, पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर है ना बच्चिया, कहा था से पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेतों की रोकथाम की जाती है। ये हमें शायद 10th में था क्वेश्चन या 8th में था ऐसा। गाइज आप लोग गाइज है या आप लोग फ्रेंड है, कमेंट करके जरूर बताना ठीक है, आप लोग गाइज हो या फ्रेंड हो। यहाँ पे हम तोड़ जा रहे हैं शिमला मिर्च, पता नहीं आज कितनी क्रिएट होगी शिमला मिर्च की, किस किस को आज शिमला मिर्च, ये बताना किस किस को शिमला मिर्च बहुत पसंद है, किस किस को मतलब बहुत नहीं मतलब पसंद है तो वो भी बता दो, बहुत पसंद है वो भी बता दो, किस किस को शिमला मिर्च अच्छी लगती है। मेरी तो फेवरेट है भाई शिमला मिर्च और सास भी, आप लोगों में से किसकी है वो कमेंट करके जरूर बताना ठीक है। ठीक है कर दिया करो यार कमेंट करने में, क्या आपके हाथ दुखते बताओ मेरे को। तो गाइज हमने तोड़ दी है शिमला मिर्च और हमें मिली है घर की काकड़ी, ये देखे गाइज इसको काकड़ी बोलते हैं, खीरा नहीं बोलते इसको। और तोड़ तो दिया अभी शिमला मिर्च, पर ज़रा अभी ले जाने की दिक्कत हो रही है, अभी हमें फिर आना पड़ेगा फेरे के लिए। मैं बोल रही हूँ कि मैं 2 क्रेट ले जाऊँगी शिमला मिर्च की आराम से, क्योंकि एक थोड़ी सी कम है एक फुल है, तो मैं ले जाऊँगी गाइस। और हमने अभी सोचा था कि हम टमाटर भी तोड़ देंगे थोड़े बहुत, बट ये भी टूटी मारते अभी शिमला मिर्च और सास भी नहीं। ये देखिए इसमें 2 क्रेट चक्की हुई है, आज मैंने इसका मैंने रगड़ लगा, अच्छी गिरी ना तो 15 शवार नोट छुटना पौंदा। सोच लो भी 15 शवार नोट आया छुटा हौंदा जी छुटवाए। सौ 1500 3000 1500 मेरे पास है, 15-30-45 और 500 एक्स्ट्रा मेरे पास 1.5 क्रेट है, मतलब 5000 की हम इस टाइम 5000 लेके चले हुए हैं पीठ पे, इतना भारी है देख लो, जेब में उठाते हो लेकिन हमारे को सिर पे उठाने पड़ते। घर पहुंच गई हूँ, अब मेरी उतारने की निंजा टेक्निक देखना गाइस, एक बार मैं यहाँ रख लेती हूँ, कैमरा सेट है। तो भाई अभी मैं जा रही हूँ बीन की क्रेट लेने, और भाई मेरा गया है दूसरी साइड, उसने मक्की भी लानी है खाने के लिए भूनने के लिए, और थोड़ी सी शिमला मिर्च, एक खेत हमारा नीचे की तरफ भी है मतलब जहाँ हमारे दूसरे खेत है उस साइड को भी है, तो वहाँ से भी उसने थोड़ी सी बहुत शिमला मिर्च लानी है। या तो फिर हम 4 क्रेट कर लेंगे या फिर हम 3 करेंगे इसको पूरी, क्योंकि ये ना 3.5 क्रेट है, तो अगर वहाँ से आधी निकल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं फिर हम 3 ही लगाएंगे। और गाइस अभी वहाँ से मैंने बीन की क्रेट लानी है, और मेरे पास यार मैं ना सोचा था मैंने कुछ और बताना था आप लोगों को, मैं भूल जाती हूँ। और अंधेरा हो गया है, और ना आजकल यहाँ पे एक अफवाह उठ रही है कि यहाँ पे बाघ आया है, तो मिले ना बस, क्योंकि जहाँ हमारा ये पड़ोसी गांव मैंने अभी दिखाया आपको शील गांव, वहाँ पे ना मतलब काफ़ी बकरियों को उसने मार दिया है, मतलब अपना शिकार बना लिया, तो कहीं मेरे को डर लग रहा है, मैं अकेली आई हूँ गाइस, तो अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं है फिलहाल, मैं आई हूँ अकेली। वैसे तो यहाँ पे मंदिर नज़दीक है, काफ़ी लोग आए रहते हैं मंदिर को कई बार, बट कई बार नहीं होते हैं तो डर लगता है कि यार नहीं कहीं बाघ ने मेरा शिकार बना लिया तो क्या होगा, किसको बोलेंगे फिर आप चुलबुली प्रतिभा। तो गाइस अभी मैं इस क्रेट को उठाती हूँ, कोशिश करूँगी कि ढंग से उठा पाऊँ अच्छे से। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।
गाइस खा लूंगी मैं। ऐसे ही होता है गाइस, जब सिर पे रख तो देती हूँ बट ये टावल गिर जाता है नीचे। यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऊपर से इतना अंधेरा हो रहा, ऊपर से गाइस मैंने उठा लिए भाई, अब मैं घर जो में जा घर में जाके मिलूंगी गाइस। मैं फाइनली बारी है एक्सरसाइज करने की, अभी मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने, दिखाती हूँ आपको किस तरह की एक्सरसाइज करती हूँ मैं गाइस। तो गाइस अभी मैं घास काट के आ गई हूँ और मम्मी ने मेरे को एक और काम बोल दिया है, वो है मक्की को छीलने का, तो कि छील के ले जानी है किचन में और उसको हम भूनेंगे गाइस, आज हम मक्की खाएंगे गाइस, वाह मजा आते गाइस। तो गाइस मैं अपने फड़के में ले जा रही हूँ मक्की, जो कमीज का पल्ला होता है उसको हमारे फड़का बोलते हैं, तो मैं उसमें ले जा रही हूँ अपनी मक्की। मक्की मैं दादी को दे रही हूँ, वैसे तो मैं इनके साथ बात करना पसंद नहीं करती, पकड़ो अपनी मक्की, क्योंकि मैंने इनसे एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, अच्छे से बात करना शुरू किया था इनसे, पर ये उस लायक नहीं बने क्योंकि इन्होंने आज मेरे को डांट दिया और मेरी शिकायत बोल दी, और आज क्यों मैं इनके काम में आई, क्यों बनते हो आप मेरे दुश्मन, क्यों बनते हो आप मेरे दुश्मन, क्यों बनते दुश्मन मेरी, हर टाइम मेरे को डांटते हो। और उन्होंने मेरा नया नाम रखा है राधा, राधा के साथ तमीज से बात करते, राधा भगवान जी का नाम है ना कि राक्षस का, जैसे कि आप राक्षस की तरह से बात करते हो। राधा रानी पांच मक्की खाने वाले हैं हम तीन, और अब मैं मेरी मक्की है ये वाली गाइस, तेरी ए वाली है मेरी, पर ए वाली हूं जी ए गाना सुना, तो एक गाना ही सुनाई देता एक आपको बहुत अच्छा गाना जाएगा, मछली जल की रानी है जीवन, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात, और हमने 10 रुपए लेके चूल्हे से निकाली स्वा, और अगले जनवरी में मुन्ना का हम कर देंगे ब्याह, दस रुपए लेके हमने नीचे टैंक में मारा गोता, और अगले साल को मेरी मम्मी खिलाएगी पोता। गाइस मम्मी मैं अपने फड़के में लेके आई सब्जी, ये बनाएंगे आज हम, और आज हम बहुत लेट हो चुके हैं खाना बनाने के लिए। गाइस अभी हम बना रहे शिमला मिर्च और फ्रेंच बीन्स, जो अभी निकाल के लाए थे हम खेत से वही। तो गाइस मैंने सब्जी काट ली है यहाँ पे, तो ये कढ़ाई में बना रही हूँ गाइस मैं, इसलिए आपको ऐसी लगती है इसमें ना थोड़ा रंग सा लगा है, ये चाहे जैसा मस्जिद हो दूसरे दिन को फिर ऐसा हो जाता है तो बता के, तो ये काफ़ी अच्छा होता है ये लोहे की कढ़ाई में खाना। मक्की आ गई है भुनकर, ये देखिए गाइस, तो गाइस आपके खाने को बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाता है, 2-3 इलायची है और 2-3 लौंग पे मैच चल रहा है, और हम अपनी गेम खेलेंगे अब, एक दोस्त के टांग, किस दोस्त के टांग, किस दोस्त के टांग बता क्या आते टांग वन वो टांग वन थ्री ऑड नंबर होता है टांग का, और दोस्त होता है जो इवन नंबर होता है। चल अब खेलते हैं, चुका है अपने दाने, कितने थे 25 ज्यादा है, अरे गिन तो देख तो कितने 25 लगा मार कितने
गाइस इसके ऊपर इतने उधार हो गए, 28,000 इसके ऊपर उधार हो चुके हैं। इसने सारी बार गलत बताया, अगर इसके पास सब दाड़े होते तो ये दे सकता था इनको। अच्छा मेरी बारी है भाई, मैं पूछती तेरे को, दुष्ट के टांग, दुष्ट मैंने गिने भी हार्दिक पांड्या, तो आई जी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश।